नटंकी। मारूंगा खड़े हो तो नौटंकी। मैं वही सोचू कि आप ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसा क्यों फेस बना रहे हो, मेरे को क्या बताता है ऐसे एक्टिंग करोगे तो गुड। लो गाइस मेरे को बहुत मारती है। मैं इंट्रो कर दूं एक बारी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू निक्षी व्लॉग्स। तो आज काकू शूट करना भूल गया था सुबह सुबह और वो मेरे को लेके आ गया है। हमने जूस भी पी लिया था, आपको बताया उसके बाद हम जूस ही पीते हैं और अब हम घर पे आ गए हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आज का डे। आज हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आपको दिखाएंगे और हमें कहीं जाना भी है वीडियो शूट करने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। खड़े हो जाओ, चलो। मेरे लग गई है, मैं चोटिल या घायल घायल हो गया हूँ, मेरे को नहीं उठने का मन। सुनो ना। सुन रहा हूँ, कान से सुनता हूँ मैं। सुनो तो, मैंने ना अभी अभी पता है क्या देखा, मम्मी बाहर पराठे खा रही थी, आज संडे था, आज घर पे पराठे हो रहे, पराठे लेके आओ, जाओ जल्दी छिलाओ, बुला छिलाओ, आओ के चाल के जाओ। अरे फिर दोबारा ये पॉटी वाले कपड़े पहन के आ गए हमारे घर के अंदर, मेरी गिर की इंदे मेरे घर के अंदर धोए हैं कल मैंने, धोए हैं अभी पूरे धोए हैं काकू ये कपड़े कल, देखो क्लीन के। यहाँ पे गाइस ये थी। फिर दोबारा यहाँ पे पॉटी थी है कहीं, यहाँ पे पॉटी बताओ गाइस, फिर दोबारा इसने पॉटी वाले कपड़े पहन लिए हैं, जोड़ बोल रहो। और बालों पे भी कल इसके पॉटी कर दी थी चिड़िया ने, बाल भी धोए हैं मैंने, देखो ये गीले हैं, ये देखो ये गीले बाल है, बाल भी धोए हैं, कपड़े भी धोए हैं, सारे साफ साफ कपड़े पहन के आया हूँ, पूरा साफ सुथरा सा नहाया धोया सा होके आया हूँ। चिड़िया की पॉटी में ना अमोनिया होता है, तो अमोनिया क्या तो है ना, ज्यादातर शैम्पू यू लिख के आते हैं कि अमोनिया फ्री, अमोनिया फ्री, तो आपने तो डायरेक्ट अमोनिया लगा लिया। पता है उसने ना पॉटी नहीं की थी एक्चुअली, पॉटी में ग्रीन ग्रीन होता है, उसने ना शायद सुसू किया था, बस पानी पानी टपका था वो। ए भगवान, गंदी है ये लड़की। सर मैं खाना डाल के लेके आ गया हूँ और मोटू गया वॉशरूम, तो मम्मी ने आज बनाए थे ये मूली की भुजी, ये है मूली के पराठे और ये दही साथ में, और काम मैं आपको ज़रूर दिखाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है ऊपर, चलो देख के आते हैं ये भी एक बार। पापा ऊपर कटिंग करवा रहे हैं लोहे के पाइप्स की, और ये मोटा भी पढ़ाई कर रहा था, और जैसे इसने खाना देखा पढ़ाई लिखाई छोड़ते ही सबसे पहले इसका हाथ गया खाने पे, और पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में, पहले अपने को खाना मांगता है रे। पढ़ाई लिखाई कैसे होगी जब खाना खाएगा इंसान पेट भरेगा तभी तो पढ़ाई लिखाई होगी ना। ओहो, पढ़ने वाले खाली पेट भी पढ़ लेते हैं, ये तो बस भूखे लोगों के बहाने हैं। अब बहाने हैं ना भूखे लोगों के, रहने दो कोई बात नहीं, भूख तो लगी रही है। चलो भाई अब खाना खा के वापस मिलते हैं आपसे। भाई सुबह के बज रहे 11:30 और ये मोटू यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहा है, और मैं जाऊंगा जल्दी से नहाने क्योंकि हमें निकलना कमला नगर, वहाँ पे एक वीडियो शूट करनी है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। काकू नहाने जा ही रहा था, उससे पहले काकू को याद आया कि उसे ट्रिमिंग भी करनी है, तो ये देखो कैसा लग रहा है काकू। तो ये आ गया काकू सिर्फ मूछो मूछो में। आप कमेंट्स करके बताओगे काकू आपको मूछो में कैसा लग रहा है। मेरे बच्चों का बाप लग रहा है। तो काकू नहा के आ गया है लेकिन काकू डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या पहनना है। देखो पहले ये वाली शर्ट, फिर ये वाली शर्ट निकाली, और अब ये वाली शर्ट पहनी थी, फिर सोचा कि यार इसमें आयरन ही की हुई, तो अब काकू आयरन कर रहा है। हमारे केस में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को टाइम लगता है रेडी होने में, मेरे को इतना नहीं लगता जितना काकू को लगता है। अभी तो देखो कपड़े डिसाइड हुए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर देख रहे हो ये जो देख रहे हैं जुल्फें, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बाल है जिनको सेट करने में आधा घंटा लगता है, ये भी आपको पता होगा, है ना काकू, लगेगा ना अभी तो और टाइम। नहीं बस 5 मिनट हर बार की तरह। बोला ना काकू ने, हर बार की तरह 5 मिनट, मतलब 5 मिनट का मतलब ये लगा लो आप, आधा घंटा लगेगा ही लगेगा। तो चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, काकू भी रेडी हो रहा है, और आपसे रेडी होने के बाद मिलते हैं। देख रहे हो स्ट्रगल रेडी होने के पीछे, सब फैला पड़ा है, यहाँ मेरे कपड़े यहाँ काकू के, और अभी तो काकू वैक्स लगा रहे हैं, अभी तो और टाइम लगेगा काकू को थोड़ा, और फिर मुझे भी रेडी होना है। कपड़े तो कुछ ऐसे पहने सिंपल से, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे को मेरी न्यू टी शर्ट लेके आई थी, और ये न्यू शूज़ हैं काकू के, भी न्यू शूज़ हैं आपके, कहाँ रखे हैं, ये रखे यहाँ पे, ये वाले काकू के न्यू शूज़, वी आर ऑल सेट टू गो। और वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे अगर मान लो पानी नहीं मिला तो फेस वॉश करने के लिए हमारी स्प्रे वाली बॉटल, और वॉच नहीं मिल रही, ये झंडू के यही काम रहेंगे, देखना इसने करा क्या, दोनों वॉचेस को है ना ऐसे करके जोड़ दिया है।
इसे होगा क्या मोटे? मैं दिखाता हूँ इससे क्या होगा, देखो। महेश्मति साम्राज्य, मार दिया महेश्मति साम्राज्य के। चलो जल्दी से चलते हैं, और हमने डाल दिया हमारे न्यू शूज। काको देखो, काको देखो, आओ ना पैर लाओ ना आगे। सुंदर लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। और किशु हमें छोड़ के आई हो मेट्रो स्टेशन तक। देखो वैसे तो हम ना पैदल चले जाते हैं, लेकिन आज हम दोनों ने न्यू शूज डाले ना, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे शूज गंदे ना, यू नो ऑब्सेस्ड विद शूज। चल जल्दी से खड़ा हो जा, छोड़ के आ जा। ये तो बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। कैसी है? जल्दी से छोड़ के आ, स्कूटी पे आ जा ना। बिजनेस के लिए दूसरे को परेशान करो। हाँ दूसरे को परेशान करेंगे, चलो आ जा तू। मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद इस झंडू को याद आया कि मेट्रो कार्ड तो घर पे ही भूल गया। एक्चुअली मैंने घर पे बोला था कि चेक कर लो मेट्रो कार्ड को, लेकिन काकू ने बोला नहीं बैग में ही रखा है और वहाँ पे जाके देख लेंगे। अब मेट्रो स्टेशन पे जब आए तो वहाँ पे तो मेट्रो कार्ड मिला ही नहीं। फिर इतनी लंबी लाइन में लग के हमने न्यू मेट्रो कार्ड बनवाया, और ना यहाँ पे स्टेशन पे सारी मशीन्स खराब थी, इसलिए सारे के सारे यहीं पे आए थे टिकट लेने के लिए। तो लाइन में सब ऐसे लड़ रहे थे, कोई बीच में आ रहा था तो उससे, और अब देखना काकू क्या बोलेगा। अभी है ना वहाँ पे लाइन में एक आंटी खड़ी थी, जो भी बीच में लग रहा ना उसका छोड़ते ही, हाँ जी बेटे क्या क्या जीना है। मेट्रो में जाते ही जैसे एक भी सीट मिलती है ना, तो काकू मेरे को पहले बिठा देता है और खुद पूरे टाइम खड़े होकर ही जाता है। अब हम आ गए हैं विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन, और अब हमें जाना कमला नगर। और पीछे है ये फूड बस ऑफ इंडिया। आप में से कौन कौन चाहता है हम यहाँ पे भी जाके इनका खाना ट्राई करें? हमें लगा था ये बस लाजपत नगर में, क्योंकि वहीं पे ही देखी थी। कमला नगर में भी है ये नहीं पता था। चलो रिक्शा में, तो हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। एग्जैक्ट नेम पता नहीं है, बस एनडीए चाय वाला के नियर बाय है, वो वहाँ पे जाना है। और ये आ गया विश्वविद्यालय के वगैरह, और ये जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे जाने का रूट। बहुत सुंदर रास्ता है ये वाला, और पीछे पूरे में हवा हवा चल रही है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। हमारी डेस्टिनेशन पे कमला नगर में लाफिंग वाला पे, वो रहा पीछे, और काकू को देखो यहाँ पे। चाहे मेट्रो चाहे स्कूटी, उसको एक बार फेस क्लीन करके अपना ज़रूर कहीं भी जाना होता है। एंड वो रहा लाफिंग वाला, वहाँ पे हमें जाके आज वीडियो शूट करनी थी, और ये रहा काकू। तो मिलते हैं आपसे पूरी वीडियो शूट करने के बाद निक्स किचन वाले चैनल की। बाय बाय, वी आर डन शूटिंग द वीडियो ऑफ लाफिंग वाला। इसके बाद हम एक और जगह जाएंगे और हम आपको पहुंच के बताएंगे वहाँ पे जाके। और ये अभी बचा हुआ खाना फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद का आगे ही आपको ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए सी यू टाटा, बाय बाय। आप में से ये लापिंग और बाउजी पहले किस किस ने ट्राई किया हुआ है, किस किस ने खाए हैं वाले बाउजी? वो कमेंट्स करके जरूर बताना, और आपको लगते कैसे हैं वो भी बताना। गर्मी हो रही है, काकू को इतना स्वेट आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ये लापिंग खाना छोड़ नहीं रहा, इसको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाइज हम आ गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो कि है कमला नगर में। यहाँ पे वायरल पेस्ट्री कपल जो था ना, वो यहीं पे स्टॉल लगाते हैं अपनी, लेकिन यहाँ पे तो अभी कोई दिखा नहीं है। और थोड़ी देर और वेट करते हैं, 5 बज चुके हैं। अगर कोई भी नहीं आया है यहाँ पे थोड़ी देर और वेट करने के बाद, तो हम वापस घर पे चले जाएंगे। स्पेस तो देखो यही है, हैवमोर के साइड में वो जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है ना, अब पता नहीं कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं, शायद हम गलत जगह पे तो नहीं है। वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। गाइस 5 बजे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और अब 6 बज चुके हैं, और ना हमें कोई वायरल कपल दिखा, ना उनका चीज़ केक। एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे, तो उन्होंने बताया कि वो इसी एरिया में रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो कपल अपने स्टॉल नहीं लगाता है, और लास्ट वीक भी उन्होंने नहीं लगाया था, और कल संडे था ना, वैसे तो फ्राइडे सैटरडे संडे को लगाते, तो जब कल हम आते उन्होंने तभी ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारी क्यूट लिटल सब्सक्राइबर आन्या मेहरा, जो हमें वहाँ पे मिली जब हम वायरल पेस्ट्री कपल का वेट कर रहे थे। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आन्या फॉर वॉचिंग आर वीडियो। काफी लोग यहाँ पे वेट कर रहे, और काफी लोग चले भी गए, और अभी पता है क्या हुआ, एक्चुअली मेरे साइड से अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल गए थे, तो उन्होंने बोला कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो पुलिस वाले फिर आके इनको बोलते हैं, और ये हिंदुस्तान है यहाँ पे ऐसा होता है इस वजह से। मैं हमें श्योर नहीं है, हमने जो सुना हम आपको बता रहे हैं, बट हम तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है पीछे की तरफ, तो शायद वो अंकल सही भी बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे भीड़ हो जाती है तो रोड भी जाम हो जाता हो, इसलिए उनको स्टॉल नहीं लगाने दिया गया हो, क्या पता अपना, पता नहीं है, श्योर नहीं है, बट हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं चीज़। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। नहीं आए तो ऐसे घर पे जाना पड़ेगा, बिना चीज के खाए घर पे जाएंगे। काकू का दुख तो मैं कहीं और से भी खा सकता हूँ, अगर ये मोटा मेरे को खाने दे तो। नहीं खाना, घर पे चलना है चुपचाप, पैसे नहीं लगाने फालतू में। गाइस हमने तो बहुत ज्यादा देर वेट किया, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया, इसलिए हम रिक्शा में बैठ के अब मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ज्यादा देर हम वहाँ पे रुकते ना, तो हम घर जाने के लिए लेट हो जाते, इसलिए अब हम जा ही रहे हैं सीधा। किस्मत इस मामले में तो खराब निकली आज। ये आ गया भाई सुदामा टी स्टॉल,
और यहाँ पे आज हमने चाय पीनी क्योंकि लास्ट टाइम पी ली थी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे कैंपस में जो टी है, सुदामा टी स्टॉल, और इसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लेना। और जिन लोगों को नहीं पता है हम ब्लॉगिंग के अलावा भी और कुछ करते हैं, तो भाई हमारा निक्स किचन नाम से ऑलरेडी एक चैनल है, वो फर्स्ट चैनल था और ये सेकेंड चैनल है हमारा। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, वो भी ज़रूर चेकआउट करें, क्यों उन्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है कुछ कि आप Q&A वीडियो लाओ, तो भाई पहले से है एक चैनल, आप वो वाला भी ज़रूर देखना। पहुँच गए हैं विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन और अब जा रहे हैं यार मेरा तो मन कर ये फूड बस ऑफ इंडिया दिख रही है ना, यहाँ पे ही चला जाऊँ अभी कुछ खाने पीने। चल रहे हो मोटे फूड क्या आप घर जा रहे हो? मैं खा के आ जाऊँगा। फूड बस ऑफ होम में चलो चलो घर चलो। हो इस काकू से रुका नहीं गया और फाइनली अब हम यहाँ जा रहे हैं। इस मोटू को हार नहीं पड़ा। फाइनली हम यहाँ जा रहे हैं तो हम ये सोचे निक्स किचन वाली आईडी के लिए शूट भी कर ही लेते हैं, तो आपसे मिलते हैं यहाँ का शूट करने के बाद। फाइनली खा पी के फ्री हो गए हैं और हमने शूट भी कर लिया और वो आपको निक्स किचन वाली आईडी पे देखने को मिल जाएगा। और हमने ऑर्डर किया था पाव भाजी और इसका क्या नाम था? इसका नेम क्या था भैया? समोसा चाट पहाड़गंज समोसा चाट स्पेशल, ये स्पेशल वाले मेन्यू में से की थी हमने। और ये मैंगो फिरनी भी जिसमें बस भैया ने मैंगो नहीं दिए, भैया ने मैंगो नहीं दिए और काकू ने स्पेशली, बाकी सब अच्छा था। और काकू ने स्पेशली फोटो देख के ही ऑर्डर फोटो किया देख था। के मैंगो देख के इसके अंदर तभी मैंने ऑर्डर की थी स्पेशली, और मैंगो मिले भी नहीं उसमें, बट ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसकी वीडियो आपको निक्स किचन पे देखने को मिल जाएगी और इसके बाद हमें जाना है घर और यहीं पे है मेट्रो स्टेशन। खाना ठीक था जिसमें मैंगो नहीं थे, ये पाव भाजी ज्यादा फैंसी थी, देसी स्टाइल वाला टेस्ट नहीं आया, ये अच्छी थी, ये सच्ची में अच्छी थी। राइट गाइस फूड बस ऑफ इंडिया से फ्री होके हम घर वापस जा ही रहे थे, इतने में काकू को दिखा ये दोनों और दुकानें और मेरा ऐसा मन किया कि मैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बढ़िया सा खा लूं। ये देखो मोदी जी की दुकान, मोदी जी की दुकान देख गए मित्रों, चुपचाप शांति से ना घर चल पड़ो, अगर घर नहीं गए ना ऐसा मुक्का दे के मारूंगा मैं आपको, ठीक है? इतनी देर से मेरा सुसु कंट्रोल किया हुआ है, तो अब घर चल पड़ो, बहुत सारी वीडियोस भी एडिट करना है। वो तो थैंक गॉड हम पहले से ना वीडियो अपलोड करके आए हुए थे, वरना इस काकू के उसमें रहते ना तो हम इतना लेट हो जाता है आज वीडियो भी नहीं अपलोड होती। हो जाता आपने अभी जब गड्ढे में गिरने देना था आपको तो मेरे को दिख गया था गड्ढा पीछे में मैनहोल था और वो भी खुला हुआ, और मैं इस मोटे वेजर नहीं खींचता ना तो ये वहीं गिरता अभी। वो तो आपके प्यार में एक बार ही गिर गया ना, आपके अच्छा और प्रोटेक्टिव मैं कहीं नहीं करूँगा। अब आप संभालने वाले हो ना मेरे को, डायलॉग ऐसा मारा तेरे दो मारो दो मारो। चलो अब हम जा चेकिंग पे और फिर घर जाएंगे, घर जाने के बाद आपको फिर डायरेक्ट मिलते हैं, बाय बाय। गाइस हम जस्ट अभी अभी घर पे आए हैं, हाथ भी धोए कपड़े भी नहीं चेंज के, तो अब जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं अपने घर पे जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है। देखो पहले हुए जूतों को तुम्हारे से डब्बे में रख रहा है, महंगे है। अच्छा महंगे है, अरे मक्के जूते हैं। अच्छी बात है, लो मेरे जूतों को भी रखो, लो मेरे वाले को भी रखो। अच्छा क्यों मेरे और अभी पहने हुए मेरे नहीं अपने तब नहीं लग रहे थे पहने हुए, आपके तो मैंने मेरे से भी महंगे दिलाए थे अपना कलेजा काट काट के। नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय। खड़ी हुई थी और ऊपर से आके ना आपको अगर आप बोलने नहीं दे रहे ना फिर बोलो बोलो हमेशा बात काटते हो मेरी बोलो। गाइस हम आ गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे, स्माइल स्माइल गाइस स्माइल। तो यार 6 बजे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ना हमें कोई चीज़ केक खाने को, 6 बजे से वेट कर रहे हो गाइस हम 5 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और 6 बज गए हैं। गाइस हम 5 बजे से यहाँ पे वेट करो गाइस हम 5 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और 6 बज गए हैं, ना तो हमें कोई चीज़ केक दिखा और ना वायरल कपल। तो गाइस हम 5 बजे से आप दुखी नहीं होने दे रहे, आप मेरे को हंसा रहे हो, दुखी होने दे रहे।
दुखी मत हो।